अभी देखिए भाई लेयर मैश फीड आया, लेयर मैश फीड कैसा दिखता है ये देखो, तो दिखा दूं मैं इस तरीके से लेयर मैश फीड अभी डाल रहे हैं हम। आज ही डाले, आज ही अंडे निकलते बोल के नहीं है, कल 5 अंडे निकले थे सेवंथ के दिन, आज 8/7/2024 फिर आज शाम तक देखते हैं हम कितने अंडे निकलेंगे हमारे ये वाले बर्ड्स में कहकर। तो सो अभी ये मेरे हाथ में देख रहे हो प्योर देसी हमारे 30 मुर्गियों के अंडे, 24 अंडे 10 दिन में निकले हमारे पास, इसमें से 4-5 छोटे अंडे निकाल लिए हम, पूरा बिल्कुल छोटे अंडे, जो छोटे अंडों में से चूजे निकलेंगे तो कमज़ोर रहेंगे बोल के जो बड़े बड़े मीडियम साइज़ के अंडे हैं हम वो अंडों को रख दिए ताकि चूजे निकालने के लिए इनके लिए। June 28 को मैं ये वाले कमरे में, ये वाले रूम में क्या करा, 30 मुर्गियों को उसके साथ 5 मुर्गों को लाकर एक नई शुरुआत स्टार्ट करा। फिर June 28 से लेके July 8 तक 10 दिन में हमारे पास कितने अंडे निकले, 24 अंडे निकले। 15 रुपये के हिसाब से एक अंडा बेची तो भी 360 रुपये होते। कितना फीड खाए फिर ये, कितना फीड खाए बोल तो 13 किलो मकई और 3 किलो लेयर मैश फीड खाई है ये 10 दिन में 16 किलो फीड दिए हम इनको। फीड का पैसा मिलाए तो भी 360 रुपीज़, 360 रुपये, 370 रुपये हो जाएंगे, उल्टा 10 रुपये नुकसान में ही जाएंगे हम अंडों को 15 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो। फिर ये 10 दिन के प्रैक्टिकल रिसर्च रिपोर्ट के जरिए अपने को क्या पता चल रहा, भाई प्योर देसी मुर्गी के अंडों को हम बेचकर, अंडे बेचकर बिजनेस नहीं कर सकते, अगर से करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, मुनाफा बहुत कम आएगा कहकर यहाँ पे पता चल रहा है। जो भी आपको बताता रिसर्च करके, प्रैक्टिकल मेरे बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करके बताता मेरे भाई, बट यहाँ पे हमें और भी सोचने वाली बात क्या है, जब हम नए मुर्गियाँ लाते हैं तो ये कंडीशन में, ये रूम को, ये जगह को कंफर्टेबल फील होने के लिए, आदत गिरने के लिए लगभग 1-2 महीना लगता बोल के भाई स्टार्टिंग के वीडियोस में, ये बर्ड्स लाए जब के वीडियो में ही बोला हूँ आपको। और दूसरी बात, जब 30 मुर्गियाँ हम लाते इसमें कोई भी बंदा अंडा उसके पास अंडे कंटिन्यू दे रही, आज दी कल दी मुर्गी, तो मुर्गी को सेल करता क्या, नहीं करता ना मेरे भाई, रख लेता हो अंडे पूरे, वो ले लिए के बाद, वो मुर्गी दे दिए के बाद तब जाके वो मुर्गी को सेल करता बिना अंडे के, अंडे वो खा लेके आपको मुर्गी को सेल करता खाली। तो यहाँ पे फिर वो मुर्गी अंडा देने के लिए दोबारा लगभग 1 महीना का टाइम भी लगा दे सकती है, उससे ज़्यादा का भी टाइम लगा सकती है, इसीलिए कम अंडे आते। और एक वजह भाई, 5-6 महीने की पाटा भी दियो तो वो भी 1-2 महीने का टाइम लगाता। प्योर देसी मुर्गी में अगर से वो अच्छा खाई, अच्छा खिलाए उसको क्वालिटी फीड, तो 6-7 महीने के अंदर अंडा दे देती, 6-7 महीने के बीच में, प्योर देसी की बात बता रहा हूँ, वो 5 महीने में 4 महीने में अंडे स्टार्ट करने वाले क्रॉस ब्रीड्स की बात नहीं कर रहा मैं, प्योर देसी की बात कर रहा हूँ। प्योर देसी 6-7 महीने लगाती अंडा देने के लिए, बहुत कम मुर्गियाँ, 100 में 1-2 मुर्गियाँ जो 5 महीने क्रॉस होने के बाद अंडा देना स्टार्ट करते हैं, वो उसके पेरेंट्स पे डिपेंड रहता। अभी मुर्गी तगड़ी है, अच्छी खासी, अच्छे बड़े बड़े अंडे दी, उसमें से बड़ा चूजा निकला, मुर्गी अच्छी ग्रोथ में हुई, अच्छा खिला रहे उसको, तो वो मुर्गी 5 महीने के बाद अंडा देना स्टार्ट करती है। बट ये कैसा रहता बोल तो 100 में 4-5 मुर्गियाँ ही ऐसे रहते, बाकी के सारे मुर्गियाँ 6 महीने क्रॉस होने के बाद ही अंडा स्टार्ट करते, कुछ मुर्गियाँ 8-9 महीने भी लगा देते प्योर देसी में, बता रहा हूँ। तो ये भी पाटा भी बेच देते, 6 महीने के भी ला लेते, वो भी अंडे देने के लिए अपने को टाइम लगता ना मेरे भाई। कुछ बंदे ऐसे भी रहते कि बच्चे बड़े होते रहते, 1-15 दिन 20 दिन के बच्चे हुए के बाद वो बच्चों को रख लेके मदर को सेल कर देते, फिर वो भी अंडों को आने के लिए कितने दिन लगती, कंपलसरी 1 महीने का टाइम तो लेती हो, 20 दिन से 1 महीने का। इसीलिए स्टार्टिंग में अपन जब स्टार्ट करते हैं ना, अंडे कम निकलते, पेशेंस ही, बिजनेस में बिलीव और पेशेंस ही, ये दो रहना बहुत ज़रूरी है, और डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क भी करना बहुत ज़रूरी है। पर देखो, अगर से आप मेरी बातें नेगेटिव तौर पे सोच रहे हो ना, मैं कितना भी अच्छा बोलूँ आपको नेगेटिव समझ में आएगा, ये कहाँ से हो सकता है बोल के। अगर आप पॉजिटिव में सोचे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, अच्छा लगेगा भी मुझे। तो यहाँ पे हमारे पास 10 दिन में
फीड का खर्चा हो गया है 360 रुपीज, और अंडों का भी 15 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो 360 रुपीज आते हैं। इसीलिए इसमें वर्कर का जोड़ रहा भी नहीं, खाली फ्री फीड का खर्चा ही लगा रहा हूँ। तो अभी हम क्या करते बोल तो, ये अंडों को अच्छे से स्टोर करके आज नहीं तो कल मुर्गी के पेट के नीचे डालने वाले, एक बैच उठाने वाले। देखो क्या करता हूँ मैं आगे वीडियो में, आपको पता चलेगा। बस ये रिसर्च, 10 दिन के रिसर्च पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हमारे पास फीड कितना खाई है और अंडे कितने निकले, 24 अंडे निकले बोल के। फिर अपन को अंडे बेचेंगे तो नहीं गिरेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं कुछ चूजे बनाते हैं। नेक्स्ट मैं वीडियोज़ में मुर्गियों को अंडों में बिठाऊंगा, वो आपको नज़र आ जाएगा, देखिए। फिर अभी प्रेजेंट घर के पास भी देखो सेम, 10 दिन में हमारे पास कितने अंडे जमा हुए, 14 अंडे यहाँ पर है, और 9 अंडे हम क्या करे थे, हमारी प्यारू के अंडे थे ना वो वाले, वो एक मुर्गी को डाले, चलो देखते हैं वहाँ पर भी। अभी मैं ये वाली मुर्गी के पास आया, जू ही क्या यार, उसको देखते एक बार उठाते, थोड़ा सा मेरे हाथ के ऊपर चढ़े ना दिख रही, इसको मैं खाने के लिए इधर छोड़ देता, ठीक है। अभी यहाँ पे प्यारू के अंडे, तो ये 9 अंडे डाले थे हमारे प्यारू के, 17 नज़र आ रहे मुझको, हाँ 17x पे अभी बैठी है। प्यारू के थोड़े बहुत अंडे है इसमें, 8 अंडे, तो घर के पास कितने अंडे जमा हुए, 28 अंडे। फार्म के पास कितने हुए थे, बोले तो 24 अंडे, 8 अंडे ज़्यादा ही निकले, और 14 बर्ड्स में ही 8 अंडे ज़्यादा निकले। कई को ऐसा हो बोले तो, बताया हो ना आपको, फार्म के पास जो नए मुर्गियाँ हैं वो कंफर्टेबल जगह फील होने के लिए, थोड़ा सेट होने के लिए टाइम लगाते हैं 1 से 2 महीने का। और दूसरी बात क्या है, हमारे पास ये बड़े वाले मुर्गियाँ हैं, 8 महीने के, साल भर के मुर्गियाँ हैं, इसीलिए अंडे थोड़ा ज़्यादा दिखाई देंगे अपने घर के पास। ये देखो प्यारू, बोल तो नए भाइयों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये वाली हमारी प्यारू है, इसके ही अंडे थे अभी, 8 अंडे वहाँ पर डाले। सो लगभग ये कितने अंडे देती मम्मा, तो इधर आइए, मेरे को छोड़ती नहीं यार, अच्छी है ये, हाई बोल, हाई हेलो, ये वाली लगभग ये अंडे ना 30 के ऊपर देती है, 30-40 देकर जब जाकर खुड़क बनती है। अभी इसके स्टार्टिंग के 10x हम वहाँ पर डाले, आज भी दे दिए अंडा, कहाँ पर दी मैं बताता आपको। ये देखो मम्मा, हाई बोल, ये हाथ में खाना खाता हो ना, इसीलिए जब इसको खिलाता हूँ तो बार बार पास में आ जाती है जल्दी जल्दी से, ये देख रही है खाने के लिए अभी। ये देखो ये वाली बुट्टी में देती है घर में अंदर आके, चल मम्मा कितने अंडे दी बता, अभी तक लगभग मेरे ख्याल से 12 अंडे दे दिए ये वाली प्यारी सी।